बनारस की गलियां, घाट और यहाँ के सुकून वाला माहौल कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये ब्यूटीफुल से बनारस को एक्सप्लोर करने के बाद अब वक्त है एक नए अनुभव का, मॉडर्न भारत के सफर का। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अपनी शानदार डिजाइन, स्पीड और कंफर्ट के लिए काफी प्रशंसा पा रही है। हर चीज की तरह इसके भी अपने फायदे और कुछ छुपे हुए कमियां हैं। इस वीडियो में हम सफर करेंगे इस ट्रेन के साथ, देखते हैं इसके प्रोज और कॉन्स को खुलकर और आपको बताएंगे वंदे भारत का पूरा सच। और ये भी, क्या आपको बनारस से दिल्ली आने के लिए वंदे भारत ट्रेन पकड़नी चाहिए या नहीं। अब हम पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन पर, जहां हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस हमारा इंतजार कर रही है। गाइज, ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की एक प्रतिष्ठित और हाई स्पीड ट्रेन जो आज हमें बनारस से दिल्ली ले जाने वाली है। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। गाइज, वाराणसी सिर्फ दो वंदे भारत ट्रेन है न्यू दिल्ली के लिए, एक है मॉर्निंग में और एक है दोपहर में 3 बजे। हम लेने वाले थे 22435 जो दोपहर में 3 बजे वंदे भारत यहाँ से चलती है और रात को 11 बजे न्यू दिल्ली स्टेशन पे उतारती है। तो गाइस, वंदे भारत आ चुकी है और इसमें हम चढ़ चुके हैं। अब इस ट्रेन की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या आ रहा है, कैसा टेस्ट है, इस ट्रेन की स्पीड कितनी हो रही है, फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके काम आएगा। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक बटन वाले ओपनिंग डोर्स थे और ट्रेन के अंदर आते ही नए एक्सपीरियंस महसूस होता है। यहाँ की सीट्स काफ़ी आरामदायक लग रही हैं, बड़ी बड़ी विंडोज, ऑन बोर्ड वाईफाई और मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ ये सफ़र बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रहा है अभी तक तो। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे जो लगेज रखने का स्पेस था वो काफ़ी अच्छा था। यूजुअली गतिमान और शताब्दी जैसी ट्रेन्स में इतना स्पेशियस नहीं होता लगेज रखने का स्पेस जो यहाँ पे मिला है। और लीजिए, हो गई हमारी ट्रेन स्टार्ट, निकल पड़ी वाराणसी से। एंड सबसे पहले हमारे पास आ गई ये पानी की बॉटल और थोड़ी देर में स्पीड पकड़ ली ट्रेन ने। बट इसकी स्पीड कहते हैं 160 किलोमीटर पर आवर होती है, बट इट रियली मेंटेन्स दैट स्पीड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, जैसे हमारे आउटडेटेड ट्रैक्स एंड अदर रेल ट्रैफिक। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है, एक मैक्सिमम स्पीड इसकी जाती है अराउंड 139-140 किलोमीटर तक ही ये जाती है। और ये देखिए, इनसे तो स्नैक्स का भी वेट नहीं हो रहा, ये शुरू हो गए अपने काम पे। वंदे भारत इज अ प्रीमियम एक्सपीरियंस ट्रेन। द टिकट रेट्स आर कंसिडरेबली हाई कंपेयर टू अदर ट्रेन्स। फॉर मैनी इट रेजेस द क्वेश्चन, कोई देखते हैं आज कि क्या जस्टिफाई करती है अपने टिकट प्राइस को। ट्रेन के अंदर के ऑटोमेटिक डोर्स और वाइड एयर सील्स यहाँ की मॉडर्निटी और कन्वीनियंस को और बढ़ा देते हैं। आपको ट्रेन के अंदर मूव करने में बिल्कुल भी भीड़ भाड़ का एहसास नहीं होगा। यहाँ पे ये एक टॉक बैक यूनिट दी हुई थी, कोई भी प्रॉब्लम हो पैसेंजर्स को तो यहाँ से वो कनेक्ट कर सकते हैं ट्रेन के स्टाफ के साथ। और ये यहाँ पे एक फर्स्ट एड किट भी प्रॉपर इन्होंने रखी हुई थी, साथ ही स्नैक्स रेडी हो रहा था ट्रेन में सर्व करने के लिए। वंदे भारत ट्रेन सिर्फ तेजी से नहीं बल्कि एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, जिससे आपको एक शांत और स्मूथ सफर का अनुभव होता है। और नेक्स्ट, ये लीजिए आगे हमारा स्नैक्स। तो हमारी स्नैक्स प्लेट में आया था ये एक चीज सैंडविच, उसके बाद थे यहाँ पे ये कैरमल पॉपकॉर्न, चायोस की जिंजर चाय की किट और साथ में, अरे भाई बनारस से निकले हैं तो कचौड़ी कहाँ पीछे छोड़ेगी, तो ये थी एक कचौड़ी और ये मैंगो ड्रिंक। चलिए टेस्ट करके देखते हैं आखिर कैसा है वंदे भारत का खाना। बॉस, टेस्ट तो अच्छा है कहना पड़ेगा। बच्चे भी आराम से खा रहे थे, नहीं तो मोस्टली ट्रेन्स में खाना घर से पैक करके ले जाना पड़ता है क्योंकि बच्चे वहाँ पे वो खाना नहीं खाते हैं। और देखिए भाई, बाहर की चाय का कोई भरोसा नहीं रहता, मुझे चाहिए कड़क वाली चाय, इसलिए मैं चलती हूँ सेफर साइड। तो मैंने अपनी चाय की किट एक्सचेंज कर ली कॉफ़ी किट से और ये क्रॉस किया वंदे भारत ने संगम को। उफ, क्या नज़ारा है, मज़ा ही आ जाता है ना गंगा मैया को देख कर। गाइज, वंदे भारत के बनारस से न्यू दिल्ली के बीच में सिर्फ दो और हॉल्ट स्टेशन है, जिसमें से पहला था इलाहाबाद जंक्शन जिसपे हम पहुंच चुके थे।
और यहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज था सिर्फ 2 मिनट और कानपुर जंक्शन पे भी सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है। गाइज ऑटोमेटिक डोर है तो आप इन ट्रेन में स्पेशली वंदे भारत गतिमान में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि टाइमली ट्रेन में चढ़ जाएं और उतर जाएं। और ये लो जी वंदे भारत ने स्वागत भी कर दिया। अब चलिए दूसरी इम्पोर्टेंट चीज आपको दिखाती हूँ जो है यहाँ के वॉशरूम। गाइज यहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज जैसे टचलेस टैप्स और ऑटोमेटिक फ्लश सिस्टम दिए गए हैं जो इस सफर को और भी कंफर्टेबल बनाते हैं। और जहाँ तक है बात क्लीनलीनेस की तो बहुत ज्यादा क्लीन तो मुझे नहीं मिले हैं वॉशरूम्स जैसे कि एक्सपेक्टेड था वंदे भारत में, बिकॉज वेन यू आर पेइंग फॉर अ प्रीमियम ट्रेन तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी हाई हो जाती हैं। बट ठीक है, कुछ प्लस पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं ना हर जगह। में सामने फ्लैश स्क्रीन चल रही थी जिसमें टाइम टू टाइम ट्रेन की स्पीड आ रही थी। यहाँ आपको पर्सनल एमिनिटीज भी मिलते हैं जैसे कि हर सीट के साथ ट्रे टेबल जहाँ आप स्नैक्स या लैपटॉप रख सकते हैं, चार्जिंग पोर्ट्स पर्सनल सीट पे भी अवेलेबल है ताकि आपका फोन या लैपटॉप के सफर के दौरान कभी डिस्चार्ज ना हो। और नेक्स्ट अराउंड 4.5 घंटे बाद आ गया था कानपुर सेंट्रल स्टेशन। और गाइस मेरे साथ साथ यहाँ पे सारे पैसेंजर्स इंतजार कर रहे थे अब डिनर का, क्योंकि भाई जब आप ट्रेन में वेलने बैठे होते हो तो बस आपकी नज़रें सामने ही होती हैं कि अब क्या खाने को आएगा तब क्या खाने को आएगा। तो बस ख़त्म हुआ रहा हमारा इंतज़ार और कानपुर के बाद इन्होंने सर्व कर दिया गर्मा गर्म डिनर। करेक्शन, एक्चुअली डिनर गर्म तो नहीं था, ठंडा ही था गाइस। तो आपको बता दूं हमें यहाँ पे मिली थी एक दाल, एक पनीर की सब्जी, एक सूखी सब्जी, राइस एंड चपातीस, साथ में दही। और हाँ दो नहीं दिए थे, एक ही दिया था। लेट्स चेक इट आउट। और खाने का टेस्ट भी ठीक था, बेटर देन शताब्दी, सही था खाना। वैसे गाइस कहना पड़ेगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस के इंटीरियर्स मॉडर्निटी और कंफर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो एक रेगुलर ट्रेन जर्नी को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों के योगदान के परिचय हेतु पधारे। तो लीजिए हो गई अनाउंसमेंट और आ गया हमारा न्यू दिल्ली स्टेशन हमारी डेस्टिनेशन। ये इसका टाइम था यहाँ पे 11 बजे का, ये आई 11:15 बजे। बट आप ये मत सोचिएगा कि प्रीमियम ट्रेन है, टिकट हाई है तो ट्रेन हमेशा राइट टाइम पे आएगी। बॉस वंदे भारत भी अच्छी खासी लेट हो जाती है कभी कभी। तो गाइस ये था वंदे भारत का डिटेल वीडियो। तो आपने देखा यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं, फूड कैसा है, क्या क्या मिल रहा है और स्पीड जो जिसके लिए वंदे भारत जाने जाती है वो कितनी ऑसम थी। तो बस नेक्स्ट टाइम अगर आप प्लान कर रहे हैं बनारस आने का तो वंदे भारत से ही अपना टिकट्स आप रिजर्व कराइएगा, आपको मजा आ जाएगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ। और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके हाँ जी आपके ही काम के वीडियो लेकर आती हूँ हर वीक। अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लेके। तब तक टेक केयर, बाय बाय।